अरे बहुत दिक्कत है लाइफ में। क्या दिक्कत है? समझती नहीं वो, खाना है ना, समझती नहीं है वो। क्या नहीं समझती है? कभी उसको बात करने आते तो वो अपना झाड़ना शुरू कर देती है, मेरे पास सुनती नहीं है वो। तो समझाओ उसको। तुम जानता नहीं है उसको क्या कैसी है वो। हम तुमको देखते हैं उसका सामने, जब वो तुम्हारे सामने आती है, तुमसे बात करती है, तुम फट्टू तरह से बस उसको सुनते रहते हो। तुम कुछ बोलेगा उसका तब ना वो समझेगी, तुम जब बोलेगा नहीं तो कैसे समझेगी। कितना बार ट्राई किए, चाहती नहीं समझना। समझे तुम, समझा। हाँ वो भी है, लेकिन अब जब तक तुम बोलोगे नहीं वो तो नहीं समझोगे। तुम समझा पाओगे कि नहीं? अब मेरे से हो गया, हम हार गए, अब समझाने वाले नहीं है उसको। तो छोड़ दे, आने दो उसको, हम देख लेंगे। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। कैसे आदमी हो तुम? हाँ कैसे आदमी हो? अरे भावना कल समझी तुमको। क्या समझे तुमको? क्या समझे बोलो, क्या समझे तुमको? हम कभी मौका नहीं समझाने का हमको पहले। तुम ऐसे आदमी नहीं हो जिसको मौका का जरूरत पड़े, समझे? तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, जैसा तुम्हारा हरकत है ना, यू आर वेरी डिस्गस्टिंग। भावना एक रुक 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 रुक, आई हेट यू, आई हेट यू सो वेरी मच। और लिखा है, काश मैं ये तुम्हें बता पाता कि तुमने मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुमने बेवकूफ़ बनाया और मैं तुम्हारे साथ था तो बेवकूफ़ बना था। तुमसे प्यार करके बेवकूफ़ बन रहा था, तुम पास रहती थी तो सिर्फ मैं बेवकूफ़ बनता था। हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मेरी भावना मेरी ही भावनाओं को नहीं समझती। बेवकूफ़ तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं बन सकता, क्योंकि किसी ने तुम्हें दिल से प्यार जो नहीं किया। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुमसे अब भी प्यार करता रहा तो मैं ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनूँगा, मरते दम तक बेवकूफ़ बनूँगा, और उसके बाद भी। ये लिखा है इसने, रोहन ने। कितनी ख़राब हैंड राइटिंग है बेहतरी है।